हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अन अकेडमी के इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज प्यारे विद्यार्थियों एडवांस मैथ के इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि आज आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो उन सभी थ्योरम्स की बात करेंगे, कुछ जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, जिन पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन जो है आता है, तो उस पर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सभी लोग तैयार हैं? तो डियर स्टूडेंट स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको देखना आप लोग, है ना। और बेसिकली हम लोग बात करेंगे, When three circle of equal radii are drawn inside a equilateral triangle, यानी एक equilateral triangle के बीच में जब हम तीन circle एक समान जो है आपके अगर radius के बनाते हैं, तो क्या condition बन सकती है, आपसे question क्या पूछता है, ये हम देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये आपका equilateral triangle हुआ थोड़ा सा, और इसमें बच्चे तीन जो circle है वो draw हम कर देते हैं। ठीक है, ये तीन सर्कल इक्वल रेडियस का मान लीजिएगा, ठीक है, ए बी और सी। अब आपसे यहां पूछता है कि फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये इक्वल रेडियस के सर्कल बने हुए हैं, इन सर्कल से जो आपका पेरीमीटर पूछता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, अगर ये समान रेडियस है, इसका मतलब बच्चे ये आर होगा, ठीक है ना। और अगर हम इसको आधे से डिवाइड करें इसको, यानी ये 30 डिग्री कर दें, पेन चेंज करके मैं बताता हूँ, ये मैं 30 डिग्री कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे आपका ये भी R हुआ, ये भी R हुआ, और ये आपका 30 डिग्री, ठीक है, यानी ये R और ये R, इस जगह तक हम मान सकते हैं क्या कि ये 2R है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब देखिए ये 30 डिग्री बन रहा है, इसको नहीं, इसको इरेज करते हैं एक मिनट, ठीक है, ये 30 डिग्री बन रहा है। आपको पता है कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 30 डिग्री हो और ये अगर आर हो, तो ये क्या होगा, रूट थ्री आर होगा, ठीक है, यानी ये अगर एक हो तो ये रूट थ्री होता है। वैसे ही तो ये वाला जो पोर्शन होगा बच्चे, यहां से लेके इस जगह तक, ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री आर हो जाएगा, ठीक है, सेम एज इट इज इधर भी हो जाएगा रूट थ्री आर, ठीक है, यानी साइड क्या हो गई, साइड ऑफ ट्राइंगल टू आर प्लस टू रूट थ्री आर। यहां से अगर हम बच्चे कॉमन ले लेते हैं, आपका टू आर कॉमन ले लेते हैं, तो आपका वन प्लस रूट थ्री बच जाएगा। अगर एरिया पूछा है, एरिया सॉरी पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, तीन साइड इंटू थ्री इंटू साइड होता है, तो साइड ऐड कर दिए। तो अगर आपसे इक्वल रेडियस का, ठीक है, इक्वल रेडियस के सर्कल दिए हों और आपसे पूछा गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हो, तो ट्रायंगल का जब पेरीमीटर पूछा जाता है, तो ये हो जाए बच्चे ट्रायंगल का पेरीमीटर 6R 1 प्लस रूट 3, 6R 1 प्लस रूट 3, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, अब ये R की जगह पे आप जो भी रखना चाहते हो रख लो, जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में R की जगह जो भी दिया होगा उसको आप रख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब तीन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीन सर्कल बने जो रेडियस समान हो। अब अगर किसी एक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है बच्चे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे एक क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, वो स्क्वायर कहाँ बनता है, इसके राइट एंगल पे, यानी आपका ये सी हो गया जिसको कहते हैं हाइपोटेनस, ये बी हो गया जिसको कहते हैं बेस सॉरी परपेंडिकुलर, और ये ए हो गया जिसको कहते हैं बेस। इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा गया ये जो स्क्वायर बन रहा है अंदर, ठीक है ना, ये स्क्वायर जो बन रहा है, इस स्क्वायर का एरिया बताइए, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो ऐसे स्क्वायर बन रहा है ना इसके अंदर, इसका एरिया आपसे पूछा जाता है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो बच्चे, जो एरिया होता है वो होता है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे दे दिया कि ये जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है उसके साइड तीन चार और पांच है,
और यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर बन रहा है जो राइट एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री पे बन रहा है, जैसे इस तरह से जो दिया गया है। अगर ऐसा बन रहा है बच्चों, तो आपसे पूछा जाएगा कि एरिया बताइए उस स्क्वायर का, तो आप क्या रखोगे? एरिया इज इक्वल टू दोनों छोटे साइड मतलब 3 × 4 और बटे क्या कर दोगे 7, इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया 12, 144/49, जितना भी आपका आंसर आएगा वो पॉइंट में लिख दो। समझ में आया? यानी जब भी आपसे ऐसी तरह इस तरह का स्क्वायर बन रहा हो तो आपसे क्वेश्चन पूछे एरिया के लिए, तो आप एरिया का फॉर्मूला याद रखो, वो फॉर्मूला होता है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम ऐसा ही कंडीशन बने, ऐसे ही आपका इक्विलेटर सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में आपके बन रहे हो, लेकिन इस बार ये इस तरह से बन रहा हो, ठीक है? इस बार कैसे बन रहा हो, ये इस तरह से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था इसको, ऐसे बन रहा हो, ठीक है? तो बच्चे इस कंडीशन में अगर आपसे पूछे कि फाइंड द, इस कंडीशन में आपसे पूछे कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे ये सी है, ये बी है और ये ए है। अब ये स्क्वायर का साइड समान होता है, कुछ भी रख सकते हो, पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा बच्चे, जब इस तरह से आपका जो है वो बन रहा हो, यानी या इस 90 डिग्री पे ना बन रहा हो, इस 90 डिग्री पे ना बन रहा हो, तो वहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है, याद रखो, ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। यानी इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा कभी दे दिया कि मान लो 3, 4 और 5 दिया हुआ है, तो बताओ कि ऐसा बन रहा है स्क्वायर, इस तरीके का स्क्वायर बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो बताओ कि उस स्क्वायर का जो है वो एरिया क्या होगा। तो बच्चे आपको रखना है 3, 4 और 5 बटे में किसका स्क्वायर करना है, ए बी यानी छोटी साइड्स का, ठीक है? तो आपने स्क्वायर कर दिया बच्चे 4 का 16 हो गया और प्लस 9 हो गया और प्लस 4 × 12 हो गया, ठीक है? ऊपर क्या आ गया 20 × 60 हो गया और नीचे बच्चे आपके आ गया 25 × 12 = 37 आ गया, और लगभग 1.1 ये आपका आ गया कितना 62, ठीक है, लगभग 1.62 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अगर ये सब सेंटीमीटर में दिए हों तो। समझ में आई बात? यानी ये जो आपने देखा, ये बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल के बीच बनने वाले सर्कल और बनने वाले स्क्वायर का फॉर्मूला था, जो कि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जब स्क्वायर इस तरीके से बनेगा तो आपका फॉर्मूला होगा ए बी सी, क्योंकि देखो ये जो स्क्वायर बन रहा है वो तीनों साइड पे बन रहा है। इसमें स्क्वायर क्या बन रहा था, ये तीनों साइड पे बना था लेकिन 90 डिग्री वाले पे बन रहा था, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का 90 डिग्री है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री है उस पे बन रहा था। इस वजह से इसका फॉर्मूला ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, ठीक है? आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से होती है प्यारे विद्यार्थियों। इन सभी टॉपर्स की लिस्ट में आप भी आ सकते हैं, 2023 आपके लिए बेहतरीन साल है, तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी प्लस PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके। हमेशा कुछ ना कुछ प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है आपको एक्स्ट्रा, ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाए। यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर के अलावा जो क्लासेस होंगी आपके रेगुलर बेसिस पे चलती रहेंगी, और आपकी जो क्लासेस होंगी बच्चे लगभग 400 घंटे से ज़्यादा चलेंगी, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, चाहे वो CHSL की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MTS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं, CGL SSC से रिलेटेड सभी को। और यहाँ पे आपको PDF में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ ही में बुक में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो PDF वाला नोट्स होगा बच्चे, वो आप डाउनलोड करके कहीं भी पढ़ सकते हो, किसी भी जगह पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। तो ये बच्चे आपके लिए आज का फॉर्मूला रहा, इसी तरह से कुछ और फॉर्मूले कुछ और थ्योरम हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।